हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सर? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 50,000। 50,000 के अंदर मैं आपको बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी हमें गेमिंग लैपटॉप खरीदने से पहले उसमें क्या क्या फीचर देखने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो जो लिस्ट चालू करने वाले हैं हम लैपटॉप्स की, उससे पहले मैं जो आपको 1.5-2 मिनट तक जो गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा कि आपको उनको खरीदने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये आप ज़रूर देखें। क्योंकि खाली मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको टॉप 5 या गेमिंग लैपटॉप्स या कोई और गैजेट्स वगैरह के बारे में बताऊँ। मेरा मेन मोटो ये है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ ताकि आप भी टेक्नोलॉजी से अपडेटेड दें। और अगर कोई आपसे भी पूछता है कि अगर भाई मुझे गेमिंग लैपटॉप वगैरह लेना है या कोई दूसरा लैपटॉप लेना है, तो आप उसको बता सकें, आपको किसी दूसरे की रेफरेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े, और आप खुद उसको बता सकें कि भाई हाँ तेरे लिए ये बेटर है, तेरे को ये चाहिए तो ये बेटर है तेरे लिए। तो इसलिए मेन मकसद यही है कि आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके ताकि आप अपडेट हो सकें। तो इसलिए मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे लैपटॉप की लिस्ट की तरफ। तो चलिए फटाफट से जान तो लेते हैं। गेमिंग लैपटॉप लेने से पहले आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो वो गेमिंग लैपटॉप में जो या गेमिंग पीसी में जो भी आपका जो ग्राफिक कार्ड है और जो उसका प्रोसेसर है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल का मतलब उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनकी काम करने की क्षमता जो है, वो इतनी बराबर होनी चाहिए कि मतलब 19-20 का फ़र्क चल सकता है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा कम या इतनी भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए आपका ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा हाई है और आपका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा लो है। तो ऐसे नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि गेमिंग की जो मेन फाउंडेशन होती है वो उसके प्रोसेसर और उसके ग्राफिक कार्ड पर ही डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर के बीच में इक्वल बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब 50,000 के अंदर की बात आती है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स वगैरह आ गए हैं और बहुत सारे इस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर के साथ आ गए हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार कि हमें 50,000 के अंदर कौन सा लैपटॉप या कोई लेना चाहिए। तो आपको तीन चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए कोई भी गेमिंग लैपटॉप लेने से पहले। एक तो है उसका प्रोसेसर, दूसरा है उसका ग्राफिक्स, और तीसरी है उसकी डिस्प्ले। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको चाहिए होता है। तो देखिए, प्रोसेसर के मामले में बात करें तो आपको इसमें जो 50,000 के अंदर है वो आपको AMD और इंटेल का, AMD का ज़्यादातर आपको राइजन 5 वाला मिलता है, और जो इंटेल का है वो 8th या 9th जनरेशन वाला आपको प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा जो आपका जो जो प्रोसेसर होगा वो आपको जनरली 4 कोर का मिलता है, और इसके साथ आपको उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको 4 GHz तक की मिलती है। इसके अलावा आपको इसमें केज साइज़ जो है वो आपको 2 MB, 6 MB और 8 MB तक की मिलती है। केज क्या होता है, केज साइज़ क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो दोस्तों, ग्राफिक्स जो होती है वो हमारे जो खेलने की जो हमारे मज़ा आता है वो इसी ग्राफिक्स की मदद से आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हम लैपटॉप्स वगैरह लें तो उसमें आपको ग्राफिक्स अच्छे मिले। तो इस प्राइस रेंज में आपको जनरली NVIDIA का जो GeForce GTX है, या फिर AMD का हो गया रेडियन RX 560X वाला आपको जनरली ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। ये दोस्तों 4 GB की स्पेस होती है इसमें अवेलेबल, और आप अवॉइड ही करें कि आपको कोई भी GPU या कोई भी ग्राफिक कार्ड आप ले लें तो वो 2 GB का हो, क्योंकि 2 GB दोस्तों इतनी सफिशियंट नहीं होती है कि आप उसमें प्रॉपर गेमिंग वगैरह खेल सकें। और अगर आप पर्टिकुलर गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से कम आपको 4 GB तक का तो लेना ही चाहिए, जिससे कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, और बिना गेमिंग एक्सपीरियंस के आपको मज़ा नहीं आएगा फिर। तो अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इस जनरल साइज़ में आपको 15.6 इंच की ही अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है, जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। और इसके अलावा जो जो हम सब जानते ही हैं कि Full HD+ होनी चाहिए वो, और इसमें अच्छा डिस्प्ले वगैरह होना चाहिए ताकि हमें गेमिंग वगैरह खेलते हुए मज़ा आए। तो अब बढ़ते हैं हमारे लैपटॉप्स की लिस्ट की तरफ। अरे हाँ दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूँ, मी का भी तो लैपटॉप आ रहा है। यह दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मी का इंडिया में पहला लैपटॉप है जो कि 11 जून को लॉन्च होने वाला है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी अच्छे 50,000 के आसपास ही आएगा, जो कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मी काफ़ी अपने एग्रेसिव प्राइस पर लाता है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह। तो मुझे इसका भी काफ़ी इंतज़ार रहेगा, और मैं अपने इस चैनल पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा मी के इस लैपटॉप से रिलेटेड। तो आपको इसको चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना बेल आइकन को, ताकि जब जैसे ही हमारी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में।
पहला लैपटॉप जो आ रहा है वो आ रहा है एसस की तरफ से। एसस का TUF FX505DY इस गेमिंग लैपटॉप का मॉडल नंबर है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसकी वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.2 kgs का ये काफ़ी हल्का सा ये आपको लैपटॉप मिल जाता है। अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको AMD का Ryzen 5 3550H वाला आपको प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। डिसेंट गेमिंग वगैरह के लिए आप इसमें हैवी गेमिंग कर सकते हैं बिना इंटरप्शन के। अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको विंडोज 10 होम मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड है। और इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये 64 बिट पर वर्क करता है। अब इसके हम कुछ स्टोरेज और रैम के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें 8 GB की DDR4 वाली रैम मिलती है जिसको आप अप टू 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो इसमें आपको 4 GB वाला AMD Radeon RX 560X GDDR5 वाला आपको इसमें ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि AMD अपने ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छे बनाता है अपने गेमिंग के लिए। इसके अलावा आपको इसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव का स्टोरेज मिलती है जिससे आप अपने फाइल्स वगैरह को आसान से स्टोर कर सकते हैं बिना किसी लैग के, बिना किसी इशू के। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिसेंट सी 3 सेल वाली लाई आयन की बैटरी मिलती है जहाँ पर आपको अप टू 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल सकता है। इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ पर आपको 15.6 इंच की एक फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है। ये दोस्तों एक IPS पैनल वाली डिस्प्ले है जो कि आपको काफ़ी अच्छा लुक देगी अच्छे डिफरेंट एंगल से। और आपको इसमें नाइट एंटी ग्लेयर वाली कॉन्टिक भी मिलती है जिससे कि आप अगर अंधेरे या नाइट में गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है डिस्प्ले के मामले में। तो अब हम बढ़ते हैं, ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है इसकी स्क्रीन साइज में, एक तो 15.6 इंच की है और एक है 17.3 इंच स्क्रीन साइज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं और इसके कुछ और फीचर्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छा साउंड वगैरह का इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, उन्होंने साउंड चैनल काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया गया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा इसमें उन्होंने चिकपट वाला आपको कीबोर्ड प्रोवाइड किया है जो कि काफ़ी डिसेंट अच्छा लग रहा है, काफ़ी लुक में भी है। रेड बैकलाइट के साथ में आपको प्रोवाइड किया ताकि अंधेरे में वगैरह में आपका काफ़ी अच्छा लुक देता है। इसके अलावा इसमें आपको हाइपर कूल टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें सेल्फ क्लीनिंग वाली ADC सिस्टम भी है जबकि जिससे कि आपका जो एंटी डस्ट वगैरह जो होते हैं, डस्ट वगैरह जब आपके लैपटॉप वगैरह में आ जाती है तो उसको आप उसको ये अपने आप रिमूव कर लेगा ऑटोमेटिकली और आपका ये लैपटॉप को ठंडा रखता है। अब इसके कुछ पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक USB 2.0 वाला पोर्ट मिलता है, 2 USB 3.0 वाला पोर्ट मिलता है, एक HDMI का पोर्ट मिलता है और आपको इसमें SD कार्ड रीडर भी मिलता है। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मैं बता देता हूँ आपको जी कैच मेमोरी क्या होती है। दोस्तों कैच मेमोरी दरअसल जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो स्टोरेज होता है और जो आपका जो प्रोसेसर होता है उन दोनों के बीच में ये इंटरमीडिएट का काम करती है, एजेंट का काम करती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये करती क्या है। ये दोस्तों आपका जो मेमोरी होती है वो आपको जो स्टोरेज होता है उससे थोड़ी स्टोरेज अपने अंदर लेती है, थोड़े फंक्शंस अपने अंदर लेती है। और ये जब भी CPU को प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट होती है तो ये उसको फटाफट से प्रोवाइड करती है, उस मेमोरी को प्रोवाइड करती है फटाफट से CPU को प्रोसेसर को, ताकि वो जो प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है ना तो वो कम टाइम लगे और आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी हो, ताकि इससे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिले और आपका जो जो भी आप काम कर रहे हैं वो लैग ना हो। तो इसको आप एग्जांपल की तरह समझें तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक पेट्रोल पंप जो है वो 1 किलोमीटर दूर है और जो दूसरा पेट्रोल पंप है वो 2 किलोमीटर दूर है। तो 1 किलोमीटर दूर जाना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, चाहे वो इसे कुछ भी कह सकते हैं हम, जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और हम किसी दूसरे काम में उसको हम बचे हुए टाइम को लगा सकें। तो दोस्तों यही समझदारी होती है कि हम 1 किलोमीटर जाएंगे ना कि 2 किलोमीटर। तो यही दोस्तों कैच मेमोरी का भी काम होता है कि वो हमारे जो डिस्टेंस, जो CPU जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्रोसेसर से स्टोरेज तक जाने के लिए, तो वो उस स्टोरेज का डिस्टेंस कम कर देता है, वो उस स्टोरेज को अपने अंदर थोड़ा ले लेता है जिससे कि वो प्रोसेसर जो CPU जो है वो उतना इतना दूर जाने के बजाय वो उस कैच मेमोरी के पास से वो मेमोरी ले ले ताकि वो फटाफट से उस काम को पूरा कर सके जिससे कि वो टाइम लैग कम हो और आपको फटाफट से स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके। तो यही काम होता है दोस्तों कैच का।
तो दोस्तों जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी, 2 GB, 2 MB, 4 MB, 6 MB, 8 MB, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। क्योंकि जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, उतनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी, उतनी ज़्यादा वो अपने अंदर मेमोरी स्टोर करेगा, और जैसे जैसे आपके CPU प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट होगी तो फटाफट से देगा, जिससे कि आपका काम जल्दी जल्दी नेक्स्ट जो होगा। लैपटॉप आ रहा है वो आ रहा है एसर की तरफ से, एसर का स्विफ्ट 3 इस लैपटॉप का नाम है। ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, दिखने के मामले में हो चाहे परफॉर्मेंस के मामले में हो। तो यहाँ पर आपको जो है इसके डिज़ाइन की बात करें, तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की बॉडी मिलती है, और जो स्टील ग्रे कलर है वो काफ़ी अच्छा लुक देता है और काफ़ी अच्छा हाथ में फील करता है। तो अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच के Full HD+ वाली IPS डिस्प्ले मिलती है दोस्तों, और इसमें एक खास बात यह है कि आपको इसमें वाइड व्यू वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जब देखते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है आपके। तो प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको AMD का Ryzen 5 क्वाड कोर वाला 2500U वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 GHz पे बेस्ड है, और अप टू ये 3.4 GHz तक बूस्ट हो सकता है। रैम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 8 GB की DDR4 वाली रैम मिलती है, और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव मिलती है। अब इसकी कुछ अपने OS के बारे में बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको Windows 10 Home मिलता है, और इसके जो ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको AMD का Vega 8 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है। अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कुछ इसके, तो यहाँ पर आपको 2 USB 3.0 वाला पोर्ट मिलता है, एक USB Type-C, एक USB 2.0, HDMI माइक्रो SD कार्ड के पोर्ट्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, HD वेबकैम की कनेक्टिविटी मिलती है। बैटरी की बात करें, तो जो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर आपको 3220 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सिंगल चार्ज पे आपको 4 घंटे तक का बैकअप दे सकती है। ये सब लैपटॉप्स में आपको 4 घंटे का बैकअप मिल रहा है, जो कि ठीक है, काफ़ी डिसेंट माना जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। इसकी प्राइसिंग भी आपको 48,000 के आसपास मिलती है, जो कि ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, आप अगर उसका ऑफर या कुछ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू लेते हैं तो वो कम हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जो लैपटॉप आता है वो आता है एसस की तरफ से। इसका जो डिज़ाइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको मेटलिक फिनिश मिलती है, एक तो टॉप पे मिलती है, और आपको कीबोर्ड के साइड का जो पैनल होता है आपको वहाँ पर मेटलिक फिनिश मिलती है। इसके अलावा जो बाकी की बॉडी है वो आपको प्लास्टिक में मिलती है, प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया है दोस्तों, जो कि आपको काफ़ी अच्छा फील देगा, और इतना यूँ लोकल भी नहीं है कि आपका वो जल्दी ख़राब हो जाए, जल्दी टूट जाए। तो अब इसके कुछ डिज़ाइन वगैरह की बात होगी, तो अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की Full HD+ एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको AMD का Ryzen 5 2500U वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 GHz पे बेस्ड है, और अप टू 3.6 GHz तक बूस्ट हो सकता है। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 8 GB की DDR4 वाली रैम मिलती है, जो कि अप टू 16 GB तक आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टोरेज आपको वही 1 TB का मिलता है, जो कि हमारे काफ़ी सफिशेंट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी आपको Windows 10 Home प्री इंस्टॉल मिलता है, जो कि 64 बिट पर चलता है। अब इसके अलावा ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 4 GB वाला DDR5 NVIDIA GeForce GTX 1050 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है। पोर्ट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 2 जो है USB 2.0 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, एक 3.0 वाला USB 3.0 वाला पोर्ट मिलता है, USB 3.1 वाला पोर्ट मिलता है, एक Type-C पोर्ट मिलता है, HDMI और SD कार्ड का पोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, HD वेबकैम का सपोर्ट मिलता है। बैटरी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 3 सेल वाली लाई आयन वाली बैटरी मिलती है, जो कि आपको अप टू 4 आवर्स तक का बैकअप दे सकती है। इसमें आप PUBG, Apex और Doom जैसे गेम आसानी से खेल सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकेंड पर मीडियम सेटिंग्स के साथ में। नेक्स्ट जो लैपटॉप आ रहा है वो आ रहा है एसर की तरफ से। इसका नाम है एसर नाइट्रो 5। इसके कुछ डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो ये लैपटॉप आपको 2.7 kg पर मिलता है, और इसमें आपको कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लुक देती है। इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको AMD का Ryzen 5 2500U वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 GHz पे बेस्ड है, और आपको ये 3.6 GHz तक बूस्ट हो सकता है।
इसमें आप, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, तो इसमें आप बिना किसी लैग के अपने गेम्स वगैरह को आसानी से खेल सकते हैं अच्छी अच्छी ग्राफिक्स पे और अच्छे सेटिंग्स पे। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 होम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, और ये जो आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको 64 बिट वाला आर्किटेक्चर मिलता है। इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 8 GB की DDR4 वाली रैम मिलती है, जिसको आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है AMD का रेडियन RX 560X 4 GB वाला आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड है, जिसमें आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और इसमें आप ग्राफिक एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। अब इसके कुछ स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 1 TB की इंटरनल हार्ड ड्राइव मिलती है, जिसमें आप अपने स्मूथ वगैरह गेम वगैरह खेल सकते हैं। बैटरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लिथियम आयन की बैटरी मिलती है, 3 सेल वाली है, जिसमें आपको 37 वाट आवर की कैपेसिटी मिलती है, और इसमें आपको अप टू 7 आवर्स तक का सिंगल चार्ज पे बैकअप मिल सकता है। अब इसकी कुछ स्क्रीन साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस वाली स्क्रीन मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अब इसकी कुछ IPS, ये डिस्प्ले IPS है दोस्तों, और इसमें आपको वाइड व्यूइंग एंगल का सपोर्ट मिलता है। इसमें आपको स्टीरियो साउंड का डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, जिससे कि आपकी गेमिंग की जो ऑडियो है वो काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ इसके डिज़ाइन वगैरह के और बारे में, तो आपको इसमें उन्होंने रेड बैकलाइट वाला कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया है, लो लाइट में अपने गेम्स को आसानी से खेलने के लिए। इसके पोर्ट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 2 USB 2.0 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, 1 USB 3.0 वाला पोर्ट मिलता है, 1 USB 3.1 वाला पोर्ट मिलता है, और 1 HDMI और 1 ARCUS 4-in-1 कार्ड। नेक्स्ट जो लैपटॉप आ रहा है वो आ रहा है लेनोवो की तरफ से, लेनोवो का IdeaPad 330 इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है। इसकी कुछ डिज़ाइन के बारे में बात करें तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी आपको मेटलिक फिनिश के साथ में डिज़ाइन प्रोवाइड किए हैं, और इसमें आपको उन्होंने बैकलाइट वाला कीबोर्ड प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपको लो लाइट में अच्छी विजिबिलिटी मिल सके गेमिंग खेलते हुए। अब इसकी कुछ स्क्रीन साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच के फुल HD प्लस वाली एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ डिस्प्ले मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके प्रोसेसर और इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो आपको इसमें इंटेल का कोर i5 वाला प्रोसेसर मिलता है, 8th जनरेशन वाला, 8300H वाला इस प्रोसेसर का मॉडल नंबर है, और ये जो है ये 2.3 GHz पे क्लॉक स्पीड है इसकी, और ये अप टू मैक्सिमम अपने 4 GHz तक मैक्सिमम स्पीड इसकी जा सकती है। इसमें आपको 8 MB की स्मार्ट केज का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा इसमें ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4 GB वाला है NVIDIA GTX 1050 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो अब इसके कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ये सिंगल चार्ज पे 5.5 आवर्स तक का बैकअप दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सबसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बैकअप मिलता है। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 8 GB की DDR4 वाली रैम मिलती है, और इसमें भी आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलती है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ 10 होम मिलता है। इसके पोर्ट्स वगैरह के इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 USB 3.0 वाला पोर्ट मिलता है, 1 USB Type-C, 1 USB आपको HDMI वाला पोर्ट मिलता है, और आपको 4-in-1 कार्ड रीडर मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें ऑडियो के लिए माइक्रोफोन जैक भी मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें भी आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और HD वेबकैम का सपोर्ट उन्होंने कनेक्टिविटी में प्रोवाइड किया है।